सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। नए साल के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सांसारिक जगत के साथ दिन यानी सोमवार से रविवार, मंडे टू संडे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अपने भीतर आंतरिक जगत में इन सात दिनों की यात्रा कैसे होती है? मुक्ति मोक्ष का असली अर्थ क्या है? सफल जन्म कौन सा है? क्या मोक्ष इसी जन्म में पाना संभव है? यदि इन सभी सवालों के जवाब पाकर आप नए साल में एक नए आत्मविश्वास, नई संभावनाएं और सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रस्तुत है नए साल के उपलक्ष्य में सरश्री द्वारा विशेष संदेश। लाइफ इज अ जर्नी, सात दिन सात जन 2024, मंडे टू मुक्ति डे। इस विशेष संदेश का प्रसारण होने जा रहा है यूट्यूब के हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर रात 11:30 से 12 बजे तक। तो इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें और एक नए उत्साह के साथ आने वाले नए साल का स्वागत करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं लकी नहीं हूं, ऐसे कई तरह की धारणाओं में लोग रुके हुए हैं। तो हेल्प की प्रार्थना के साथ, हील एवरी लकीर एंड पैकेट कहने के साथ, आप सभी बिलीफ को तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और औरों के लिए भी यही प्रार्थना करना चाहोगे। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी नए साल के लिए मौन में रहकर अपूर्व तैयारी कर रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए जो तेज लाभ होता है वह अदृश्य में होता है। जो लाभ अदृश्य में होता है उसके लिए इंसान कभी प्रयत्न नहीं करता। जो दिखाई देता है वही इंसान पाना चाहता है, उसी के लिए ही प्रयत्न करता है। सभी इसी रोग के शिकार हैं। अदृश्य में तेज लाभ को देखना सीखते हैं। हर साल वे अपना हुनर बढ़ा रहे हैं, हर साल वे अपनी संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता बढ़ा रहे हैं। हर साल मन सूक्ष्म बातों के लिए राजी हो रहा है। अदृश्य में तेज लाभ पाने की युक्ति सिखाई जा रही है। तेज लाभ में न सिर्फ विचारों को जाना जाता है बल्कि जानने वाले को भी जाना जाता है। जानने वाले को जाना गया
तो तेज लाभ। विचार चल रहे थे अचानक याद आया कि मैं अपूर्व तैयारी कर रहा हूं, तब इस विचार को कहते हैं स्टैचू। विचार फ्रीज होता है, जम जाता है। और उसके पीछे का मौन प्रकट होने लगता है। वरना विचारों की तीव्र गति की वजह से इंसान उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़ता है। साल का अंत हो गया, वह विचारों के पीछे ही भागता रहा। अब विचारों को स्टैचू कहना सीखें। ध्यान में बैठकर तो आपने शरीर को स्टैचू कह दिया है, अब जब भी ध्यान में विचारों की भीड़ दिखाई दे तो स्टैचू कहें। इस अपूर्व तैयारी में इतने पक जाएं कि ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए, कि कोई भी पुरानी फाइल खोल दी गई तुरंत स्टैचू शब्द निकला, नेक्स्ट शब्द निकला और वो फाइल हट गई और मौन का मैसेज आ गया, डिलीटेड सक्सेसफुली। जो हाईटेक MSY हैं वे ये शब्दावली जानते हैं, मगर बाकी लोग इतना ज़रूर समझें कि खुद ब खुद ऐसी हैबिट्स बन जाएं जिनकी वजह से बिना कारण खुलने वाली फाइल्स कट जाएं, डिलीट हो जाएं। ऐसा सॉफ्टवेयर लोड कर दें जिससे नेक्स्ट शब्द खुद ब खुद आए, फ्रीज स्टैचू। विचारों को जानकर स्वयं की याद आ जाए कि कहां मैं विचारों के पीछे जा रहा हूं। ये विचार तो मैं बाद में भी कर सकता हूं, स्वतः ही ये विचार आ गया और आप नेक्स्ट शब्द कहते ही, स्टैचू शब्द कहते ही विचारों के पीछे का स्व अनुभव प्रकट होने लगे। इस वक्त भी यही चल रहा है। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हेल्प क्या है? हील एवरी लकीर एंड पैकेट। जो भी बिलीफ है, गलत धारणाएं हैं, उन सब के लिए आप प्रार्थना करते हो कि ये सारे बिलीफ्स निकल जाएं, क्योंकि इन बिलीफ्स की वजह से ही, रॉन्ग धारणाओं की वजह से ही आप बहुत कुछ कर नहीं पाते कि मैं नहीं कर पाऊंगा,
मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं लक्की नहीं हूँ, ऐसे कई तरह की धारणाओं में लोग रुके हुए हैं। तो हेल्प की प्रार्थना के साथ, हील एवरी लकीर एंड पैकेट कहने के साथ, आप सभी बिलीफ को तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और औरों के लिए भी यही प्रार्थना करना चाहोगे कि हेल्प ही स्टार्ट है, हेल्प ही अंत है, ये कर्म जीवन का सार है, तो हमारा नया साल इसी से शुरू हो और यह हेल्प हर जीव को पास हो, हर जीव के पास पहुँचे, हर जीव प्राप्त करे ताकि उनके अंदर हीलिंग हो, हीलिंग उपचार हो हर गलत मान्यता का, क्योंकि मान्यताएं हैं जो रोके हुए हैं इंसान को संतुष्टि वाला जीवन जीने से। तो ये हेल्प सब तक पहुंचनी चाहिए, ये भाव रखते हुए रात 12 बजे 31 दिसंबर जब आप नए साल को आमंत्रित करेंगे तो इसी समझ के साथ आमंत्रित करेंगे। आप अलाइंड हो जाएं, यूट्यूब पर जो जो चल रहा है उसे सुनें और धीरे धीरे उसमें मार्गदर्शन आते जाएगा आते जाएगा। और सभी के लिए कौन सी प्रार्थना करने वाले हैं उस भाव में नए साल को इनवाइट करेंगे। और ये करने के बाद रात को 31 तारीख को दिसंबर रात में आप नए साल का स्वागत आमंत्रित कैसे करने वाले हैं? मगन अवस्था से, मगन अवस्था में नए साल को बुलाएंगे। कुछ लोग रात जल्दी सोते हैं, वे सुबह में उठकर वही यूट्यूब के साथ वैसे ही कर सकते हैं, 6 सुबह के टाइम में जो होता है प्रार्थना उसके साथ यूट्यूब का भी वो कर सकते हैं। तब आपके आसपास जो लोग होंगे उन तक वो मदद पहुंच गई है, इस भाव के साथ आप विटनेस करेंगे, आप साक्षी बनेंगे कि ये मदद आसपास जो लोग दिखें उनमें पहुंच गई है, उसने कार्य करना शुरू कर दिया है। आप प्रार्थना में यही कहोगे कि मैं विटनेस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो प्रार्थना हुई है इस शरीर से वह अपना 100% कार्य करे और जहाँ जहाँ पहुँची है वहाँ हीलिंग शुरू हो जाए, और मैं इसका साक्षी रहना चाहता हूँ। क्योंकि आप हीलिंग नहीं करने वाले, हीलिंग करने का काम आपका नहीं है, आपका काम क्या है? साक्षी होने का। आप साक्षी हो, आप देखो ये हीलिंग कैसे चल रही है, कैसे लोगों के चेहरे खुल रहे हैं, कैसे चेहरे खिल रहे हैं, सभी आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आप विटनेस कर रहे हैं। देखो इसमें भी हेल्प पहुंची है, देखो इसमें भी हेल्प पहुंच गई, इसमें भी हेल्प पहुंच गई, लोग खुल रहे हैं खिल रहे हैं। जहां कोई कमी महसूस हो, कोई उदास दिखे, उनको हेल्प करो, उनके लिए प्रार्थना करो, इनके जीवन में भी सेल्फ खुद को हेल्प कर पाए। तो ये समझ के साथ प्रार्थना करोगे तो हीलिंग का टेंशन भी नहीं आएगा। वरना लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं तो मेरी प्रार्थना का असर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने की है, उसमें अटक सकते हैं। तो आप हीलिंग में साक्षी हो, आप विटनेस करोगे, जो जो होगा मैं जान रहा हूँ, देख रही हूँ, और धन्यवाद के भाव में रहेंगे कि ये पहुँच रही है हेल्प, हेल्प पहुँच रही है, क्योंकि ये आगे भी चलने वाली है। इस हेल्प के नए डायमेंशन खुलते जाने वाले हैं, कर्म जीवन के नए डायमेंशन, बेहतर डायमेंशन खुलते जाने वाले हैं। सब जगह पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो आप हर जगह पर हेल्प ही कर रहे हो, स्वयं के MSY की भी हेल्प ही कर रहे हो। तो संतुष्टि जिसे कहा गया बड़े आसानी से हमेशा आपके साथ रहेगी। उसके लिए जो प्रार्थना आप करने वाले सभी, रात को 31 तारीख को दिसंबर
रात में आप नए साल का स्वागत आमंत्रित कैसे करने वाले हैं? मगन अवस्था से, मगन अवस्था में नए साल को बुलाएंगे। कुछ लोग रात जल्दी सोते हैं, वे सुबह में उठकर वही यूट्यूब के साथ वैसे ही कर सकते हैं, 6 सुबह के टाइम में जो होता है प्रार्थना उसके साथ यूट्यूब का भी वो कर सकते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।